इस वक्त निजामपुर रोड के उपर खड़े हैं जिथे सवेरे बेअदबी करने की कोशिश की गई है। हालांकि बेअदबी करने वाले का कतल कर दिया गया तो धरना एक बारी समाप्त हो गया सी, पर हुण मुड़ तो जिहड़ा धरना सिख संगत द्वारा लगा दिता गया। तो साढ़े नाल बाबा जी ने गलबात करते हैं। बाबा जी की कहना चाहोगे, जिहड़ा धरना एक बारी समाप्त हो गया सी हुण दोबारा क्यों लाउणा पै गया? दोबारा इदां वा कि पहला ग्रंथी सिंह दे बच्चियां नूं ते ग्रंथी सिंह नूं वा इथों दा जिहड़ा प्रशासन वा उह उत्थे सी स्टाफ थाने च लै गया जिथे बंदे की पुछगिछ की जाती है। हुण जिहड़ा इत्थे तां रोड ते दोबारा धरना लाउणा पै गया वा कि असीं चाहुंदे हां कि ग्रंथी जिहड़ा उह इत्थे छड्डिया जावे। जे कोई भी 174 दे परचे दर्ज करने आ ते उह ग्रंथी दे आधार ते कर सकदे आ, क्योंकि जिहड़ा गुरु घर दे विच इह घटना करन वास्ते आया सी, क्योंकि कल सचखंड श्री हरिमंदर साहिब दे अंदर घटना वापरी और तो चार दिन पहला फिर एक घटना जिहड़ी सरोवर दे विच गुटका साहब सुट के की गई, वह दुष्ट नूं पुलिस ने अपने हवाले कर लिया सी। पर जिहड़ी कल घटना हरिमंदर साहिब दे अंदर हुई है जिन्हें इस कौम के कि सारिया के हिरदे वलूंदर के रख दिते ने, क्योंकि एक हरिमंदर साहब वो दर है जिस दर से हर एक धर्म का जिहड़ा व्यक्ति जाके नमस्कार करके तो खुशियां प्राप्त करता। पर उस बंदे नूं जिन्हों सोधा लाया गया संगत वालों वो शख्स के कोलों उस पापी उस दुष्ट के कोलों एक भी रुपया एक कोई डंडी कार्ड कोई रसीद कोई कागज नहीं मिलया। वो पूरा जेंटरमैन बन के आया अंदर आण के जांगला टप के श्री साहब फड़ लिया, हुण श्री साहब फड़ के जरूर किसी के किसी उन्हें वार करना ही। पर वो जिहड़ा संगतां ने सौदा लाया तां लाया कि जो असी कोई फड़ के पहला बड़े चिर तो क्योंकि लगे हुए हैं संगतां भी फड़ के जिहड़ा दुष्ट नूं पुलिस के हवाले कर दिंदियां। पुलिस की करती है कि 295 ए धारा ला के तो जेल के विच कर दिंदी है। कुछ दिनों बाद की हुंदा वा कि वो अपनी जमानत करा के बाहर आ जाता, नहीं तो सरकार की करती है जे वड्डी कोई घटना कर दे नूर पनेरे वाले वांगू उन्होंने फिर जज सिक्योरिटी दी जाती है पंजाब सरकार दी। कारण की लगता जिवें कल दरबार साहब के अंदर हुई अज इस गुरु घर के अंदर बेअदबी हुंदी हुंदी बची हैगी, कारण की समझते हो? चोणां दे करके कुछ माहौल इस तरह का बनाया जा रहा? गुरु घर की वडियाई तो गुरु घर की शोभा वेख के इन्हां गुरु घर के दोखियां दे कोलों रहा नहीं जा रहा कि गुरु घर जिहड़ा जांदा वो शरदा दे नाल लोकां दा उत्साह गुरु घर नालों तोड़ना जा रहा है कि यह जिहड़ियां घटनावां करांगे, क्योंकि एक नहीं बहुत ज्यादा हो रही जिवें सचखंड श्री हरिमंदर साहब के अंदर घटना हुई है। वो घटना तां ही की गई कि मैनू की हो जाएगा, उन्हें तो यह समझा कि मैं पुलिस दे में फिर फिरांगा, क्योंकि जदों फिर सिंह कहिंदे आ कि असीं उन्हूं मार देना उन्हूं सरकार पुलिस सिक्योरिटी देंदी उस वेले दिंदी भी महंगी आ जिदा सरसे वाले नूं दित्ती आ उन्हें भी सिख कौम के नाल धरो कमाया वेखो किड्डा वड्डा समाग नच के रच के। इदा ही पनेहारे वाले नूं किड्डी किन्नी महंगी सिक्योरिटी दित्ती कि ना चिर वो बाहर घूमता रहा वो गुरु ग्रंथ साहिब दा, उन्हें इहो ही जिहड़ियां पनेहारे वाले दियां मगर भी एजेंसियां का हथ सी इन्हां दा एजेंसियां का हथ वा ते पर प्रशासन जिहड़ा वो दस तां नहीं रहा कि उन्हें पता कि जिहड़े डेरे वाले का नाम लिया तो सिख कौम ने फिर उधर नूं भड़क पैना वा। तो बाबा जी मैं हम धरना दोबारा लाया परिवार की सहमति न लाया, हालांकि परिवार के जोड़े से मैंबर चाहे दो बच्चे उन्होंने गिरफ्तार हिरासत के लाए थे पुलिस ने वो छड़ दिए, तो परिवार की सहमति दोबारा धरना लाया? तो वा कि जिन्ने चिर प्रशासन सानू क्लीयर नहीं करता अं उन्नी चिर हूँ जावे नहीं, क्योंकि प्रशासन से कोई यकीन नहीं सानू रह गया। कोई पता नहीं कि ग्रंथी के उत्ते ही परचा दर्ज कर दें 302 का, तो तुम पता 302 जरा मुड़ के हूँ परिवार का की है परिवार न गलबात हुई परिवार थोड़े नाल है? नहीं परिवार ना गलबात करते जे आ बैठे हाँ हाँ जी हाँ उन्हें चेर अं जिन्हें भाई मालम जी जिदा सूँ फोन आया कि इतने पहुँचो भाई गुरप्रीत सिंह जी करतारपुरी का फोन आया तुरंत उस वे सारे सिंह इतने पहुंचे होर भी सिंह कॉल दी आ कोई दौलतपुर तो आ रहा वा जेकर ना प्रशासन ने छड़िया तो अं हाईवे जरा मेन वा वो जरूर रोड रोड जिम्मे परिवार जरा सहमति उन्होंने ये पुलिस न बनी है कि साढ़े लड़के छड़ दो असी जी खड़क खाली कर देने तो जे परिवार ने कहा भी सड़क खाली कर दो फिर करो छ पर ग्रंथी छड़ना नहीं सानू पता वा कि जे ग्रंथ हुणे कह दे प्रशासन आओ साडे नाल ते ग्रंथी सिंह नूं लै आओ बयान लिखाउणे इत्थे बयान लिख लैंदे बयान लिख दी पुलिस अहीं आप बयान लिखाउंदे रहे बयान पुलिस कमरे च बह के लिख लैंदी लिआओ की होया की नहीं प्रशासन ने उन्हें क्यों सी स्टाफ खड़िया ये प्रशासन की बहुत माड़ी प्रशासन नाल कोई गलबात हुई हुण किवें जिहड़े ग्रंथी सिंह ने कोई छड्डण दे बारे? हाँ अजे प्रशासन भाई जी मालम जी की गल होई जी पहुंचे अजे प्रशासन साढ़े कोल अजे वो कोई छड्डण की गल नहीं कर रहा क्योंकि कारण वा कोई दाल च काला काला नहीं दाल ही काली सारी है सानू पता प्रशासन जिहड़ा वा ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਹੁਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਵੱਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀ ਪੱਖ ਹੈ
ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਆ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂਟਲੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਦੀ ਹਰਪੇ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੀ ਪੈਂਟ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਸਾਹ ਦੇ ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਗਵਾਈਆਂ ਉੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਿੱਟਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਰੰਟੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਸਪੋਨਸੀਬਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ शाम का वेला हो चुकिया अते संगत दे विच भारी रोस पाया जा रहा क्योंकि बेशक ग्रांति सिंह दे जो दो लड़के ने उन्होंने छड़ दिता गया पर मंग यही की जा रही है कि हुण ग्रांति सिंह नूं भी छड्या जावे तां रात पैण वाली आ पर जिहड़ा संगत दा धरना प्रदर्शन आ उह उसे तरह चल रहा हालांकि एक बारी इह धरना प्रदर्शन चक्या भी गया सी तां प्रशासन भी गलबात कर रहा कि आखिरकार जो एक बार ये धरना समाप्त हो गया फिर दूसरी बार क्यों जिहड़ा शुरू किया गया तो हुण देखना होगा कि प्रशासन के नाल की सहमति बनती है कि ग्रंथी सिंह उन्होंने छड्डिया जाएगा। कैमरामैन रिंकू के नाल मैं जगवंत जग